हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बनारस के प्रसिद्ध निमोना और भात बनाना सिखा रही। मैंने ये एक कप मटर लिया, उसमें 4 हरी मिर्च अदरक डाल के इसको ग्राइंड में मिक्सर ग्राइंड में इसको ग्राइंड करेंगे। फिर तो गाइस, मेरी मम्मी ने कर लिया एक, तो इसके आगे मम्मी क्या करना है? मैंने 2 कढ़ाई चढ़ाए, एक पे मैं आलू रखूंगी फ्राई करने। इसमें इन दोनों में तेल लगाए, इसमें मैं आलू रखूंगी, इसमें मेरी मम्मा इसमें क्या रखना है? इसमें मैं मटर को फ्राई करूंगी, मटर को भूनूंगी। इसमें मैंने थोड़ा सा मम्मा इनको ना इनको मेरी जीरा डाला थोड़ा सा, जीरा नमक भी, नमक डाल दिया मैंने, हींग और थोड़ा सा हींग डाल देना और फिर इसको मिक्स कर लेना थोड़ा सा। भाई साहब मम्मी निकाल दिए, मेरी मम्मी इसको डाल रही है। तो गाइस, आपको हम ये भूनने के बाद मिलते हैं, ये सब जब भून जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, ये मेरा मटर भून चुका है। ये मटर इस तरह से भुना लेते हैं ताकि ये कढ़ाई से छोड़ दे और तेल को और आराम से ये भून जाए। एक तरह मैंने ये आलू रखा था, मेरा आलू भी हो चुका है। अब मैं इस आलू को, फ्राई आलू को निकालूंगी और इसमें मसाला डालूंगी। तो मम्मा, ये आपने क्या पहले से क्या कर रखा था? ये बरी है, ये बरी है उड़द की दाल की बरी, इसको भी मैंने फ्राई करके रखा है। निमोना में ये बरी डाल के बनाओ, बहुत ही टेस्टी निमोना बनता है। निमोना भात बनारस का प्रसिद्ध डिश है, निमोना और भात बहुत ही टेस्टी लगता है, खाकर देखिए राइट से एक बार। मम्मा ये होने वाला है क्या? मेरे ये कितने मिनट तक करना था? इसको मैंने 5 मिनट तक फ्राई किया बेटा, ठीक है। अभी देखिए फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा ऑयल मैं और डाली हूँ और इसमें मैं मसाला डाल रही हूँ। क्या क्या है? मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी, ये हल्दी है 1 स्पून, 2 1½ और ये क्या है? ये धनिया है, ये धनिया 1½ स्पून, ये गरम मसाला, गरम मसाला 1/2 स्पून थोड़ा सा। हमें इसमें पानी मिला के गाइस, तो पानी के इसमें ऐड करूंगी। देखिए मम्मा, उसको हाथ से निकाल लो, किसी चीज से निकाल लो, चम्मच दो मम्मा। नहीं नहीं नहीं, पानी ले लियो, थोड़ा सा। तो देखिए ये पूरा हो चुका है, मसाले को मैं अच्छे से थोड़ा सा भून। अभी मेरी मम्मी थोड़ी देर में आलू भी डाल देगी और ये मटर, मटर का ये भी डाल देगी। तो फ्रेंड्स, ये हमारा मटर भून चुका है, ये देखिए मटर हमारा रेडी है। अब इसमें क्या डालना है मम्मा? बस अभी इसको थोड़ा सा भून जाए मसाला हमारा, फिर इसमें मटर और आलू को हम ऐड करेंगे, साथ में ये बरी भी डालेंगे। बहुत ही टेस्टी ये लगता है निमोना बना हुआ। एक बार आप हमारे तरीके से बनाकर देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी निमोना भात। मम्मा, ये सर्दियों का ये खास आइटम है निमोना भात, सर्दियों हम में तो अक्सर ही बनाते रहते हैं निमोना भात, बहुत ही टेस्टी। मेरी मम्मी हमेशा गाइस सर्दियों में बनाती रहती है निमोना भात। तो गाइस, जैसे ये भून जाएगा मसाला तो गाइस हम थोड़ी देर में मिलते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा मसाला भुन चुका है, इसने ऑयल छोड़ दिया। अब हम इसमें ये आलू ऐड करते हैं, आलू परी, ये भुना हुआ मटर, इसको अच्छे से मिलाते हैं। ये सारा भुना हुआ तो है ही, इसलिए बस इसको अच्छे से मिक्स करके
मिक्स करके इसमें मैं पानी ऐड करती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें पानी ऐड कर लें। नमक स्वाद अनुसार डालती हूँ, 1 स्पून एंड थोड़ा सा टेबल स्पून नमक डाल देना आपको, 1.5 स्पून। अब फ्रेंड्स ये जब तक पक रहा है हमारा निमोना, तब तक हम भात बनाते हैं, ठीक है मम्मा? देखिए मैंने चावल लगा। मम्मा ये भात क्या होता है? चावल को हम भात बोलते हैं, निमोना भात। बनारस का ये स्पेशल खाना निमोना भात सर्दियों के लिए। मैं इसको भात को चढ़ाती हूँ। जब तक इधर ये निमोना पकेगा, इधर भात भी हो जाएगा, हमारा खाना रेडी हो जाएगा। आपको प्लेट लगा के मैं दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स तब तक भात हो रहा है, भात होते ही आपको हम मिलेंगे और निमोना होते ही। फ्रेंड्स देखिए हमारा निमोना रेडी हो चुका है। ये ऑयल देखिए कितना अच्छा पक के ऊपर आ गया है ये ऑयल, और ये रेडी हो चुका है। अब मैं प्लेट लगाती हूँ। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, चावल से बहुत ही टेस्टी लगता है, खाकर देखिएगा, जरूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चावल भी हो चुका है गर्मा गर्म बहुत ज्यादा। देखिए फ्रेंड्स निमोना चावल रेडी है आपके लिए, खाइए आप सब लोग और खाकर बताइए कैसा बना हुआ है।